हाउस द जोश, कैसे हो आप लोग? मोटिवेटेड हो कि नहीं? सारी चीजें दिमाग से निकालकर सर अब हमने सारा अपनी एनर्जी पढ़ाई पर लगा दी है, और हमने जैसे ही अपनी एनर्जी पढ़ाई पर लगा दी है वैसे ही हमने तबाही मचा दी है। समझ में आया ना? एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ाई करनी है भैया, समझ में आया? और एटीट्यूड ये रखना है कैसा, अभी बता रहा हूं वैसा पढ़ाई के वक्त, कि एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। कभी हम उसके थे और आज दुनिया हमारी दीवानी है, यह होनी चाहिए स्टेटमेंट आफ्टर द रिजल्ट ऑफ जेई एडवांस। समझ में आया? तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिएगा प्लीज। अब ये जो लिख रहा है 9/19 बहुत गलत बात है बेटा। 19 सवाल आए थे मैथ्स में, तेरे 9 ही सही हुए, बहुत गलत है। चेक कर, एनालिसिस जरूरी है पेपर का कि हाँ भैया ये सवाल मुझसे छूट गए, ये नहीं छूटने चाहिए थे, ये गलत हुए, ये नहीं गलत होने चाहिए थे, इनका कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से देखता हूं, मुझे ये सवाल क्लिक ही नहीं हुए पेपर में, ये करना कैसे है? क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे आप अपनी गलतियों से कभी नहीं सीख पाओगे, और अगर सही आप अपनी गलतियों से सीख नहीं पाओगे तो कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। समझ में आया? अब मैं हर एक की गलतियां नहीं बता सकता ना, बिकॉज सबकी गलतियां अलग अलग है। किसी ने कैलकुलेशन एरर की है, किसी ने सवाल छोड़ा है, किसी ने किसी और पोर्शन पे टाइम वेस्ट किया है, किसी ने आसान सवाल छोड़ा है। समझ में आया? तो ये सब गलतियां आप एनालाइज करो, और जब खुद एनालाइज करोगे तो रिजल्ट और इंप्रूवमेंट दोनों दिखाई देगा। शानदार। एनालिसिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और करता कोई नहीं, बोलते सभी हैं, करता कोई नहीं। टेस्ट खत्म होने के बाद में उसकी तरफ कोई मुड़ के भी नहीं देखता, जो कि एकदम नेगेटिव चीज है। अगर 100 लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो 40 इसकी तरफ मुड़ेंगे। सर इस साल मैं अच्छे से स्कूल में एक बार नंबर ले आता हूं और अगली साल फिर मैं IIT की तरफ जाऊंगा। ये और कुछ नहीं, ये